नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। बसपा की ओर से जारी 11वीं सूची में गोड्डा सीट से बसपा ने सौरभ कुमार को प्रत्याशी बनाया है। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करने पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भारी अंतर से जीतेंगे। राजस्थान के जयपुर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता सच्चाई के साथ होती है, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वे जनता के मुद्दे हैं। चुनाव आयोग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर तेलंगाना के सभी 17 संसदीय सीटों पर मतदान के समय में बदलाव किया है। तेलंगाना में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस वाद पर दलीलें आज सुनेगा, जिसमें सीबीआई पर राज्य से पूर्वानुमति प्राप्त लिए बिना अपनी जांच आगे बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। तेलंगाना में मौसम की मार दिखने लगी है। यह पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया है और आईएमटी वैज्ञानिक डॉक्टर ए श्रावणी ने बताया कि यहां का पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अमित शाह के मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होगी। उधर अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पूछताछ के लिए बुलाया है। अजमेर के नानसी स्थित मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराया जाएगा। बताया गया कि नानसी स्थित बूथ पर मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिस कारण चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान कराने का निर्णय लिया है। मई माह की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बुधवार को मदुरई में पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार किया। मौसम विज्ञानियों ने यहां पारे में और उछाल की संभावना जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल ने कहा है कि मैं लोगों की बात सुनता हूं। लोगों ने मुझसे कहा है कि चुनाव लड़ना है। जब मैं मैदान में उतरा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में रहूंगा। रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ही नहीं बीजेपी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी के स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अप्रैल का महीना 2 चरणों में वोटिंग के अलावा धुआंधार प्रचार अभियान का भी रहा। इस दौरान नरेंद्र मोदी जहां औसतन हर रोज 3 से 4 रैली कर रहे थे, तो राहुल गांधी रोजाना 1 या बमुश्किल 2 जनसभा करते दिखाई दिए। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की यात्रा करने वाले हैं। भारत में चल रहे चुनाव के बीच मूसा जमीर की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। यह यात्रा 10 मई के आसपास हो सकती है। महाराष्ट्र में 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण शुरू होगा। इससे पहले स्टैटिक सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई कर एक कार से 29,50,000 रुपए जब्त किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र को धोखा दिया है। वह पहले के चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने के लिए लोगों से माफी मांगते हैं। रामदास आठवले ने कहा कि भले ही हमारे दल अलग हो, लेकिन हम दोस्त हैं। दिल्ली में मैं हर दिन उनसे शरद पवार से मिलता हूँ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में जेल में बंद एक आरोपी ने बाथरूम के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बस कुछ ही महीनों में पुष्पा 2 के लिए फैंस का इंतजार पूरा होने वाला है। ये फिल्म अगस्त में रिलीज होने वाली है। वहीं उससे पहले मेकर्स ने फिल्म को लेकर लोगों के बीच क्रेज बनाना शुरू कर दिया है। इसका पहला गाना रिलीज किया गया है। तमिल इंडस्ट्री से बुरी खबर आ रही है। दरअसल फेमस प्लेबैक सिंगर उमा रामनन का निधन हो गया है। उनकी मौत की खबर से तमाम फैंस और सेलेब्स सदमे में हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।